जैसा कि आप सभी को पता है कि योनो SBI एप्लीकेशन का इस्तेमाल अब सभी UPI यूज़र कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका अकाउंट SBI में नहीं है तो भी आप योनो SBI एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं UPI पेमेंट के लिए। जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम है, उसमें आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं और UPI सेटअप करके आप किसी को पेमेंट करते हैं, वैसे ही अब आप योनो SBI एप्लीकेशन में भी अपना UPI सेटअप करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अभी योनो SBI एप्लीकेशन में जो नए यूज़र आ रहे हैं, जैसे UPI सेटअप पे क्लिक कर रहे हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे 007 UPI सर्वर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग का एक एरर आ रहा है। तो गाइस, अगर आप भी UPI सेटअप करने जा रहे हैं और आपको भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। कैसे फिक्स करना है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, योनो SBI एप्लीकेशन पे आपको चले जाना है। वहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन पे टैप करके रखना है। आपको उसके बाद आई बटन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसा आप उस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टोरेज का, आपको स्टोरेज में आना है और यहां नीचे के साइड में क्लियर डेटा का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसा आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका ऐप का क्लियर डेटा हो जाएगा, जो भी बग होगा वो हट जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, दोबारा से आपको योनो SBI एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको, यहां पे अगर आप पहले से SBI कस्टमर हैं तो ठीक है, वरना आपको UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे योनो SBI पे क्लिक तो हमारा जो है ऐप से बाहर हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप वाईफाई से इसको कनेक्ट कर रखे हैं तो सबसे पहले आपको इसको बंद करना होगा, क्योंकि आप UPI सेटअप अपने मोबाइल डेटा से ही कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे अपने मोबाइल डेटा को ऑन करके यहां पे दोबारा से आपको योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, UPI सेटअप के लिए यहां पे UPI वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा सिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो आपको वहां पे ये सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक में लिंक है। उसके बाद आपके सामने यहां पे काउंटडाउन चलेगा, उसके बाद यहां पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहां पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आपके सामने आ जाएगा आपका जो वेरिफिकेशन होगा मोबाइल का, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद यहां पे अगर आपने पहले से बैंक ऐड किया होगा तो यहां पे बैंक शो करेगा, वरना नीचे की साइड में आपको दिखेगा ऐड बैंक, आपको उस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी अपना बैंक ऐड किया हुआ है। तो यहां पे आपको क्या करना है, अपना यहां पे जो है अपना ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे के साइड में आपको एक्सपायरी डेट डाल देना है। उसके बाद जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका UPI पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे अपने ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर डाल दिया, उसके बाद यहां पे जो है मैंने एक्सपायरी डेट डाल दिया। तो यहां पे जो है इसके बाद आप अपना UPI पिन सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ है, इसलिए मैं आगे का प्रोसेस नहीं कर रहा हूं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।